हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे आपकी व्यापम की एमपी पुलिस और एमपीएसआई की एग्जाम, जैसा कि आप सभी को पता है आने वाली है। यहां पर मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपकी एमपी पुलिस और एमपीएसआई की एग्जाम आने वाली है, और एमपी पुलिस की एग्जाम जो है आपकी सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जो कि 2017 में आपका लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं पार्ट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस की एग्जाम सबसे पहले आएगी, उसके बाद आपके लिए कुछ ही समय मिलेगा और एमपीएसआई का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए यहाँ पर और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये है पार्ट नंबर 4, यानी कि इससे पहले हमने पार्ट 3 डिस्कशन कर लिए हैं और आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किया कि सर कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली आपको 2 वीडियोज मिलने वाले हैं, कंटिन्यू ही यहाँ पर होने वाला। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सचिन सिलावट नाम से भी सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैंने जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आपकी एमपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछेगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए और फॉलो करिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट आपको ये करना है कि क्या टेलीग्राम ग्रुप एक एमपी पुलिस के लिए स्पेशल बनाया जाए। तो दोस्तों, ये आप कमेंट्स करके बताना कि जी हाँ सर। तो वहां पर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मैं शामिल करूंगा जो केवल और केवल एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट्स के द्वारा आप बताइएगा कि क्या एमपी पुलिस के लिए एक स्पेशल ग्रुप तैयार किया जाए, जो कि टेलीग्राम ग्रुप। तो आप कमेंट्स के द्वारा बताइएगा, फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो क्रेश कोर्स स्टार्ट किया गया है, उसका भी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहां पर जाकर आपको रेटिंग और रिव्यू भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि 3 पाइप ए बी और सी एक पात्र को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे तक एक साथ चलने के पश्चात सी को बंद कर दिया जाता है, तो ए और बी शेष पात्र को 8 घंटे में भर देते हैं। मतलब क्या होता है कि 2 घंटे तक एक साथ चलने के बाद सी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और ए और बी जो है वो रिमेनिंग मतलब शेष पात्र को 8 घंटे में भर देते हैं, तो पाइप सी अकेले पात्र को भरने में कितना समय लेगा। यहां पर ये हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन है कि 3 पाइप ए बी सी जो है एक पात्र को 6 घंटे में भर सकते हैं, मतलब ए बी और सी अगर इन तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो पात्र भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 6 घंटे। ठीक है, इतना समझ में आया कि अगर तीनों को एक साथ खोल देंगे तो 6 घंटे में पूरा पात्र क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। 2 घंटे तक एक साथ चलने के पश्चात सी को बंद कर दिया गया। अब दोस्तों, यहां पर 2 घंटे तक क्या करा, मतलब 6 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन 2 घंटे तक एक साथ चलने के बाद क्या हुआ कि सी को बंद कर दिया गया। दोस्तों, यहां पर अगर 2 घंटे तक बोला तो 2/6, अगर 1 घंटे का बोलता तो क्या करते, 1/6 लेते, और 3 घंटे का बोलते तो क्या करते, 3/6 लेते। मतलब यहां पर 2/6 क्या है, यूज हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 1/3, मतलब 1/3 क्या है, भर चुका है, और उसके बाद क्या हो गया कि सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, मतलब जब भी आप, या तो टोटल वर्क क्या होता है, 1 होता है, तो एक टोटल यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। अब यहां पर आपको क्या करना है, 1 में से माइनस कर लेना, तो 1 - 1/3, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 3, 1 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, मतलब शेष कितना बचा हुआ है, अभी 2/3 जो है वो शेष बचा हुआ है दोस्तों, रिमेनिंग मतलब ये क्या है, शेष भाग बचा हुआ है। क्लियर है। अब यहां पर शेष भाग को ए और बी 8 घंटे में भर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर सी को तो क्या कर दिया, बंद कर दिया है, जैसे ही 2 घंटे मतलब नल चला उसके बाद क्या हुआ कि सी को बंद कर दिया। अब यहां पर जो बचा कुचा है, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, वो ए और बी क्या है, 8 घंटे में भर सकते हैं। मतलब या तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 2/3 क्या है ये शेष है, इसको भरने में कितना समय लगता है, 8 घंटे लगते हैं, तो एक पात्र को भरने में कितना समय लगेगा ए और बी द्वारा, तो बस यहां पर क्या करें, 8, और इसको क्या डिवाइड में कर लूँ, तो 2/3, तो 3 डिवाइड में होगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ a प्लस बी की, तो टोटल अगर ये भर, अगर इन दोनों को चालू किया जाए तो क्या होगा कि 12 घंटे में भर देंगे। मतलब अगर ये इसी पात्र को अगर ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे तो कितने देर में भर देंगे, 12 घंटे में। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि सी अकेले पात्र को भरने में कितना समय लेता है। अब दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चंस में दिया है कि ए बी सी मिलके 6 घंटे में भर सकते हैं, क्लियर, और ए और बी मिलके हमने ज्ञात करा कितने घंटे में भर सकते हैं, 12 घंटे में भर सकते हैं, इतना समझ में आया। अगर मैं ए बी सी में से ए बी को माइनस कर लूं तो बचा कुचा क्या, सी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहां पर हमें क्या करना है कि ए बी सी का एक
एक घंटे का काम कितना होगा, 1/6। यहां पर क्या होगा, ए बी का एक घंटे का काम कितना होगा, 1/12। क्लियर है? तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, सी, क्योंकि ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बची कुछ वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। और सी उस पात्र को कितनी देर में भर पाएगा उसकी हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी यहां से। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। 6 से 12 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 ही होगा। 12 से 12 को डिवाइड करोगे तो 1, और यहां पर 1 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। तो जब इसको पलटना पड़ता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 घंटे में, मतलब सी जो है वो कितनी देर में पात्र को भर पाएगा, तो 12 घंटे में। तो यहां से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। दोस्तों यहां पर हमने क्वेश्चंस में कुछ नहीं किया, मैं एक बार इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या बोला था कि ए बी और सी एक पात्र को क्या करते हैं, 6 घंटे में भरते हैं। मतलब यहां पर कहने का मतलब ये कि जब तीनों को एक साथ खोल देंगे तो उस पात्र को 6 घंटे में भर देंगे, इतना समझ में आया। लेकिन 2 घंटे तक एक साथ चलने के बाद, यहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 घंटे तक क्या हुआ, एक साथ चलने, मतलब ए भी खुला, ए भी चला, बी भी चला, सी भी चला 2 घंटे तक। उसके बाद क्या करा, सी को बंद कर दिया। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे में कितना पात्र भरा है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो टोटल 6 घंटे में भरता है, तो यहां पर क्या होगा, 2/6। तो 2/6 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/3, मतलब 1/3 क्या हो गया, वो भर लिया है। तो 1/3 भर लिया, वो टोटल पात्र क्या होता है, 1 होता है, या टोटल वर्क क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हमने माइनस करा 1 - 1/3, तो रिमेनिंग कितना निकल के आया, 2/3। अब ये जो रिमेनिंग था उसको क्या करा कि ए और बी शेष पात्रों को 8 घंटे में भर सकते हैं, मतलब 2/3 पात्र को 8 घंटे में भर सकते हैं। तो टोटल पात्र को ए और बी कितनी देर में भर पाएंगे, बस इसको डिवाइड कर लो यहां से। तो 8 को डिवाइड करोगे 2/3 से तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 12 घंटे। मतलब ए और बी पूरा जब पात्र को भरेंगे, अगर साथ में ए और बी को खोला जाएगा, उसमें सी शामिल नहीं रहेगा, तो यहां पर क्या होगा कि 12 घंटे में भर लेंगे। अब आपको पता है कि ए बी सी 6 घंटे में भरते हैं, ए बी 12 घंटे में भरते हैं, तो यहां पर ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों को अगर मैं माइनस कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और पूछा भी क्या है आपको लास्ट में कि पाइप सी अकेले पात्र को भरने में कितना समय लेगा, तो 12 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बोला है कि क्रमानुसार 2 वर्षों के आय का अनुपात 2:3 है और खर्च का अनुपात कितना है, 5:9 है। यदि दूसरे वर्ष में आय 45,000 और प्रथम वर्ष का खर्च कितना हो, 25,000 हो, तो दोनों वर्ष की कुल बचत हमें यहां पर फाइंड करनी है, मतलब दोनों साल में कितनी बचत हुई है उनका योग आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 वर्षों के आय के अनुपात, मतलब सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं तो क्या है कि इनकम के जो रेशियो है वो क्या है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड, मतलब यहां पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर इनकम के रेशियो कितने हैं, 2:3 के रेशियो है। क्लियर? आगे क्या बोला है कि खर्च, मतलब यहां पर एक्सपेंसेस के रेशियो कितने हैं, खर्चों के रेशियो कितने हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 5:9 का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है? अब आपको आगे क्या बोला है कि यदि दूसरे वर्ष में आय 45,000 हो, मतलब यहां पर क्या है कि चलो मैं लिख देता हूं कि दूसरे वर्ष में इनकम कितनी हो, यहां से 45,000, इतना समझ में आया, 45,000 रुपए इनकम हो, और पहले वर्ष में ये क्या है, खर्चा है, कितना है, जो कि 25,000 है। ये क्या है, खर्चा है, मतलब इसको मैं एक्सपेंसेस बोल देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं, इनकम लिख देता हूं। तो यहां पर दोनों वर्ष की कुल बचत आपको क्या करनी है दोस्तों, यहां पर फाइंड करनी है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या बोला है कि यदि दूसरे वर्ष में 45,000 रुपए की आय हो, तो दोस्तों दूसरे वर्ष की यहां पर आपको आय का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 को आपको क्या करना है, 45,000 में डिवाइड करना है। तो 45,000 को डिवाइड करोगे 3 से और मल्टीप्लाई जब आप 2 का कर लोगे तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगी, पहले वर्ष की आय निकल के आ जाएगी। तो यहां से इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार कैंसिल हो जाएगा। 15,000 का मल्टीप्लाई 2 में कर लोगे तो यहां पर कितनी इनकम आ जाएगी, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितनी इनकम हो जाएगी, यहां से 30,000 रुपए। क्लियर? 30,000 रुपए की क्या है, ये पहले वर्ष के लिए इनकम है और दूसरे वर्ष के लिए इनकम तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 45,000 रुपए। क्लियर है? ये इनकम है दोस्तों, है ना, तो ये क्या हो गए, 45,000 रुपए। अब आगे क्या बोला है कि प्रथम वर्ष का खर्चा 25,000 रुपए, तो खर्चे का खर्चों का रेशियो क्या है, 5। तो यहां पर क्या करना है कि 25,000 को डिवाइड करना है 5 से और मैं मल्टीप्लाई 9 कर लूं तो यहां पर दूसरे साल का मुझे खर्चा मिल जाएगा, कितना होगा, 5 से 5 टाइम डिवाइड, 5,000 का मल्टीप्लाई 9 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 45,000। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा 45,000 और ये तो खर्चा इसका दिया ही है, प्रथम वर्ष का खर्चा कितना गिवन है, 25,000 रुपए। इतना समझ में आया, ये दोस्तों इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंसेस है। क्लियर है?
अब आपको यहां पर क्या बताना है, लास्ट में बोला है कि तो दोनों वर्ष की कुल बचत क्या होगी ये ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखो, यहां पर आपको पता है कि इनकम 30,000, खर्चे क्या है 25,000, तो यहां पर सेविंग कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आया? अरे अगर आप इनकम को अगर खर्चों से घटाते हो तो क्या मिल के आता है, सेविंग निकल के आती है, ये क्या हो गई, सेविंग हो गई। अब यहाँ पर आपको अगर सेकेंड ईयर में देखा जाए तो क्या हुआ, 45,000 कमा रहा है और खर्चा भी कितना कर रहा है, 45,000, तो यहाँ पर इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो 5,000 और जीरो को जोड़ोगे तो आपके सामने टोटल सेविंग मतलब पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की कितनी निकल के आ जाएगी, 5,000 रुपये। तो बस यही तो हमें ज्ञात करना है, इन दोनों का योग ही ज्ञात करना है, तो बस आपको ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने इस भी क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, ट्रिकी क्वेश्चन से, बाकी आपको करने का अगर तरीका पता है, अगर आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक किराना व्यापारी दो प्रकार के गेहूं 15 रुपये और 9.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, उसे इन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर क्या हो जाए कि 25% का लाभ हो। मतलब यहाँ पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 25% का आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। अब सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर कि दो प्रकार के क्या है, यहाँ पर गेहूं है जिनका कॉस्ट प्राइस हम पता है, कॉस्ट प्राइस मतलब पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये क्या है सीपी है, कितना गिवन है हमें, 15 रुपये गिवन है। क्लियर है, 15 रुपये गिवन है। देन दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस आपको कितना गिवन है, 9.50 रुपीज गिवन है। अब आपको दोस्तों यहां पर क्या बोला है कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब दोस्तों यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहां पर भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो इन दोनों का हमें क्या चाहिए, मिक्स कॉस्ट प्राइस चाहिए यहां पर, तो यहां पर भी हमें क्या चाहिए, सीपी ही चाहिए। लेकिन हमें तो यहां पर क्या दिया हुआ है, मिश्रण को 16 रुपये में बेचने पर, मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब हमें यहां पर सेलिंग प्राइस दी है तो हमें सेम यूनिट बनाना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, यहां पर अगर सेलिंग प्राइस तो यहां पर भी सेलिंग प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है कितनी, 16 रुपये। देन इसमें क्या है, आपको परसेंटेज में क्या है, प्रॉफिट गिवन है कितना है, 25% का क्या है, प्रॉफिट है। तो यहां से मैं कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकता हूं। अरे इजी, अगर आपने लाभ हानि का पूरा टॉपिक नहीं देखा जिसमें मैंने बेसिक से आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए, जिसमें मैंने ऑल टाइप के क्वेश्चंस को कवर करवाया, तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस पूरे चैप्टर को देख सकते हो। अब आपको पता है कि 16 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो परसेंटेज में लाभ होगा तो क्या होगा, 100 में जोड़ेंगे मतलब कितना हो जाएगा, 125। तो या तो मैं ऐसा बोल दूं कि 125 रुपये उस वस्तु का वैल्यू कीमत है, या कितना है, 16 रुपये। तो बात एक ही है, मतलब 125% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर है, 16 रुपये के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 1% की वैल्यू आप ज्ञात कर लो, यहाँ से कितना होगा, 16 डिवाइड में कितना होगा, 125, देन मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, 100। बस इसको आप सोल्व कर लो, तो यहां से आप 25 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। फिर यहां से 25 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। 16 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5। तो यहां से सीपी कितना निकल के आएगा, इसको कैंसिल कर लो तो 5 एकम 5 बच जाएंगे 1, 5 दूना 10, 5 8 40, मतलब कितना आ गया, 12.8 रुपये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो बस यहां पर आपको क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस रख देना है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, यहां से 12.80। बस अब यहां पर आपको क्या करना है कि दोनों का ही डिफरेंस लेके सोल्व कर लेना है, जो भी रेशियो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12.80 में से 9.50 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, यहां पर 0 बच जाएगा, 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, यहां पर 3 बच जाएंगे। उसके बाद यहां पर क्या होगा दोस्तों कि 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। अब बीच में रेशियो का साइन बना लो। अब 15 में से 12.80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहां पर 0, फिर यहां पर क्या बच जाएगा, 2। उसके बाद 12 में से यहां पर 14 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2। बस यहां पर क्या होगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी, 10 से 10, 11 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होगा, 11 से 2 बार। तो किस रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा, तो 3:2 के रेशियो में। तो यहां से क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या गिवन है कि एक ट्रेन 740 मीटर और 960 मीटर लंबाई वाले दो पुलों को क्रमशः 54 और 65 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों यहां पर क्या क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेन जो है वो 740 मीटर और 960 मीटर लंबे दो पुलों को 54 और 65 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, गति, मतलब
स्पीड ज्ञात करना है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है, देख जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये क्या हो गई, एक ट्रेन हो गई, इतना क्लियर है, ये ट्रेन हो गई। आपको यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको वहां पर ड्रॉ नहीं करना है कि ट्रेन बनाई, ये मैं तो आपको बस बता रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएंगे। एक ट्रेन क्या करती है कि एक 740 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्लेटफॉर्म या पुल ए की बात होती है, यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी लेंथ मुझे पता है कि 740 मीटर है। उसके बाद क्या है, 960 मीटर लंबे पुल को, दो पुल है यहाँ पर, एक पुल को पार करने के बाद क्या होगा, दूसरे पुल को पार करेगी, तो ये क्या हो जाएगा 960 मीटर। यहाँ पर क्या है, इसकी लेंथ ही है, ये भी क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों आपको क्या है कि यहाँ पर पता है कि जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो समय लेगी 54 सेकेंड का, और इसको जब पार करेगी तो समय कितना लेगी, 65 सेकेंड, क्लियर है। ये क्या है, समय है, और ये भी क्या है, टाइम है। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है दोस्तों, स्पीड ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी तो ज्ञात करना पड़ेगी, जब तक आप ट्रेन की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पर स्पीड ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेन की लेंथ ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, एक्स मीटर। तो दोस्तों जब भी कोई रेलगाड़ी होती है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दोनों के लंबाई के योग के बराबर क्या कर जाती है, दूरी तय कर जाती है। यहाँ पर ये क्या होगा, इसका अंतिम पॉइंट होगा और ये ट्रेन होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की लंबाई का क्या होगा, योग होगा दूरी में। तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 740, क्लियर। तो यहाँ से एक प्लेटफॉर्म को पार करने के बाद इसको भी तो पार करेगी, तो यहाँ पर भी क्या होगी, दूरी क्या होगी, दोनों की लंबाई के योग के बराबर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस 960, इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों की ही चालें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि x प्लस 740 और समय कितना गिवन है आपको, 54 सेकेंड गिवन है, बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 960 डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पर, 65 सेकेंड। दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेन को पार करने, मतलब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना समय ले रही, तो यहाँ पर इसी समय को आपको डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, क्लियर, जैसा आपको बोला वैसा करना है, बस अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 65 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 65x। देन यहाँ पर क्या होगा कि 740 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर भी क्या होगा आपके साथ दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 54x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 960 मल्टीप्लाई 54, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 65x प्लस यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई दोस्तों किस तरीके से करोगे, आपकी सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर जीरो है तो जीरो रख दो। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 65 का मल्टीप्लाई 74 में करना है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, दो संख्याओं का ही मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, चारों पंजे 20, बच जाएंगे कितने, दो। उसके बाद ये क्या होगा, 6 चौक 24, सातों पंजे कितना हो जाएगा, 35। तो 24 और 35 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 24 और 35 हो जाएगा यहाँ पर 60, और हासिल कितनी हो गई थी, दो, तो कितने हो जाएंगे, 24 और 35 59, और हासिल कितनी थी, दो, तो कितने हो जाएंगे, 61। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 6 7 42 42 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 48। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48 100। उसके बाद यहाँ पर भी तो आपको करना पड़ेगा, तो 54x प्लस यहाँ पर भी सबसे पहले आप जीरो कर लो। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 6 चौक 24, बच जाएंगे कितने यहाँ पर, दो। उसके बाद क्या होगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36। तो 36 और 30 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 पंजे 30 और 36 66 और बच्चे से कितने यहाँ पर, दो, तो कितना हो जाएंगे, 68। तो बच जाएंगे 6 9 5 45 और 6 कितने हो जाएंगे, 51। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 65x है और 54x है, तो यहाँ पर बराबर किधर आएंगे, तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ ना, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से कितना हो जाएगा कि 1 और 1, मतलब कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों का मतलब 65x में से आपको क्या करना है, 54x को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि इन दोनों का भी डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 51,840 में से 48,100 को घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर, सबसे पहले जीरो बच जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 4 बचेगा,
फिर देन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 8 में से 1 जाएंगे जो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 7 बच जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 11 में से यहाँ पर 8 जाएंगे जो कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। क्लियर, बस इसको आप सोल्व कर लो। तो 11 से सोल्व करोगे तो 11 3 33 बच जाएंगे 4, 11 4 44 0। तो एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ से 340 मीटर, मतलब जो ट्रेन की जो लेंथ थी वो कितनी आ गई यहाँ से 340 मीटर। अगर ये पूछता है कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी तो कितना हो जाएगा 340 मीटर, लेकिन पूछा क्या है यहाँ से आपको स्पीड पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर या तो आप इस क्वेश्चन को लेकर सोल्व कर सकते हो या इस इक्वेशन को, दोनों को लेकर सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू रख देनी है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 340 प्लस कितना हो जाएगा 740। तो यहाँ पर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 0, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 7 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 10। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम रख दो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54, और आपको चाल बतानी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कितना हो जाएगा 18/5। बस यही आपकी स्पीड आ जाएगी। तो 18 से 1 बार 18 से 3 बार। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 कम 3 बच जाएंगे कितने यहाँ पर 1 3 6 18 0। 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये 5 से यहाँ पर 360 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार होगा 535 बच जाएंगे कितने यहाँ पर 1, तो 5 2 10। तो यहाँ से स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर भी मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहा हूं, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप वहां से भी जाकर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।